हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रमा एकादशी के दिन इन गलतियों से जीवन में आएगी कई परेशानियां, जाने क्या करे और क्या ना करे। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। इस शुभ अवसर पर जातक श्री हरि की विशेष उपासना करते हैं, साथ ही कीर्तन भजन कर दिन भर प्रभु की शरण में रहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर कुछ गलतियों को करने से साधक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। ऐसे में आइए इस जानते हैं कि रमा एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। रमा एकादशी के दिन क्या करें। नंबर एक, एकादशी व्रत सच्चे मन से करना चाहिए। नंबर दो, श्रद्धा अनुसार विशेष चीजों का दान करना उत्तम माना जाता है। नंबर तीन, भगवान विष्णु को फल और मिठाई समेत प्रिय भोग अर्पित करने चाहिए। नंबर चार, प्रभु के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। नंबर पाँच, व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में करना चाहिए। नंबर छः, भजन कीर्तन करना चाहिए। नंबर सात, तुलसी माता की पूजा करें। नंबर आठ, मंदिर की विशेष सफाई करें। रमा एकादशी के दिन क्या ना करें। नंबर एक, रमा एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर दो, इसके अलावा तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए। नंबर तीन, किसी से वाद विवाद ना करें। नंबर चार, सुबह की पूजा के बाद दिन में सोना वर्जित है। नंबर पाँच, बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान ना करें। नंबर छः, धन की बर्बादी करने से बचना चाहिए। नंबर सात, पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। नंबर आठ, एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित है। नंबर नौ, घर और मंदिर को गंदा ना रखें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।